हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक प्रताप सिंह और आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कवर करेंगे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री। और हमारी टारगेट ऑडियंस है यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है। एंड कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आपको रीजन्स बताने हैं। रीजन्स जो है यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद पहला पॉइंट क्या है, द इन्वेजन ऑफ स्काइथियंस हैड वीकंड द अर्स्टवाइल नंदा किंगडम इन द ईस्टर्न इंडिया। ये है पहला पॉइंट। तो क्या इन्वेजन ऑफ स्काइथियंस जो है उसके कारण वीक हुआ नंदा किंगडम, ये एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर डिस्ट्रॉयड द पेटी स्टेट्स मेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर ईजी। तो क्या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था जिसके कारण पेटी स्टेट्स जो आसपास छोटे मोटे स्टेट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, उसके कारण मौर्यन एम्पायर का जो एक्सपेंशन था वो ईजी हो गया था। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है और अपनी आंसर बुक में नोट डाउन करना है। इसके बाद हम सारे आंसर जो हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट राजपूत। तो राजपूत के बारे में आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट राजपूत। तो राजपूत वेयर स्ट्रिक्टली हिंदूज, डिड नॉट पेट्रोनाइज अदर रिलीजन्स, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी वेर प्रैक्टिस्ड बाय राजपूत, और रीजनल लैंग्वेजेस जो थी वो मराठी, गुजराती और बंगाली, ये इनके टाइम पे वेल डेवलप्ड हुई। तो आपको ये बताना है कि इनमें से तीनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्या कॉम्बिनेशन है जो राजपूत के लिए सही है। तो आपको ये आंसर नोट डाउन करना है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पर चाहें तो, और आंसर नोट डाउन करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग चोलास। तो चोलास का पहला पॉइंट है इस क्वेश्चन में, द लेटर चोलास वेर वेल वर्स्ड इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फ्री हॉस्पिटल्स वेर सेटअप बाय देम एट मैनी प्लेसेस। और तीसरा पॉइंट है, एम्पायर ऑफ राजा राजा वन एक्सटेंडेड टिल मालदीव्स। तो ये तीन पॉइंट है, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है और बताना है कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने इस टोटल आज की वीडियो में कवर किए। तो वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि विच ऑफ फिलोसफिकल स्कूल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड अबव। तो ये चार जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ये किसके हैं आपको ये पता लगाना है। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ द अर्लीस्ट फिलोसफिकल स्कूल इन इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पर क्या है, अर्लीस्ट जो है वो की वर्ड है। उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट, नेचर एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स टुगेदर क्रिएट द वर्ल्ड। तो नेचर और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने क्या करा है, वर्ल्ड को बनाया है। तो ये एक नेक्स्ट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, द नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड थ्रू परसेप्शन इन्फरेंस एंड हियरिंग। ये है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है, दिस स्कूल ऑफ थॉट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना। तो ये डज नॉट जो है वो की वर्ड है यहाँ पर, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इनमें से आपको बताना है कि मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट है, कि वैशेषिका है आंसर, कि सांख्य है, कि न्याय है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वीर शैवा ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। तो विथ रेफरेंस ऑफ वीर शैवा ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो वीर शैवाज बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विथ शिवा एंड विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड। तो ये है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, द वीर शैवाज इनकरेज सर्टन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्रास सच एज पोस्ट पुबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ विडोज। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वीर शैवाज सेरिमोनियली बरी देयर डेड इंस्टेड ऑफ बर्निंग बॉडीज ऑन फ्यूनरल पायर। तो ये टोटल तीन पॉइंट हैं जिनको मैं अभी हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कि पहला पॉइंट ये कह रहा है कि वीर शैवाज जो थे वो ये बिलीव करते थे कि डेथ के बाद जो डिवोटी होगा वो शिवा के साथ क्या कर जाएगा, यूनाइट कर जाएगा और वर्ल्ड में दोबारा नहीं लौटेगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि वीर शैवाज जो थे वो कुछ प्रैक्टिसेस जो थी जैसे कि पोस्ट पुबर्टी मैरिज और री मैरिज ऑफ वुडोज, इनको क्या करते थे, इनकरेज करते थे, है ना, जो कि क्या थी, डिसअप्रूव्ड थी किसके द्वारा, धर्मशास्त्रा के द्वारा। और तीसरा पॉइंट क्या है, वीर शैवाज जो थे वो अपने जो डेड लोग थे, जो डेड हो जाते थे उनको क्या करते थे, बरी करते थे, है ना, इंस्टेड ऑफ बर्निंग बॉडीज ऑन फ्यूनरल पायर। बॉडी को क्या था, बर्न नहीं करते थे, है ना, जैसे कि हिंदूज में होता है। तो ये तीन पॉइंट है, आपको बताना है कि क्या है इन क्वेश्चन का आंसर। तो हमने यहाँ पर टोटल क्वेश्चन फाइव से क्वेश्चन फाइव डिस्कस करें, यहाँ पर आपके पास पांच क्वेश्चन है, आपको पांचों के करेक्ट आंसर अपने
नोटबुक में लिख के रखना है और उसके बाद देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। जिन भी लोगों के तीन या तीन से ज़्यादा सही हो गए हैं तो उन्होंने उनके पास जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और आने वाले वीडियोस को देखकर वो अपनी नॉलेज को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम आंसर्स और सॉल्यूशंस वाले पार्ट में चलते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमें क्या पता लगाना था कि राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर है ना, इसके क्या रीज़न है। तो इसमें हमारा सही आंसर जिन्होंने ही मार करा है बी, तो वो एक सही आंसर है। बी इसलिए सही आंसर है क्योंकि पहला और पॉइंट क्या कह रहा है कि इन्वेजन ऑफ स्काइथेंस जो था उसने नंदा किंगडम को वीक किया था, बल्कि नंदा किंगडम की जगह यहाँ पर होना चाहिए मौर्यन किंगडम। मौर्यन किंगडम को उसने क्या करा था, वीक करा था, क्योंकि इनके जो वो थे 100 BC के अराउंड जो थे, क्या थे, इन्वेजन स्टार्ट हुआ था इनका, है ना। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या करा था, अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था जिसके कारण एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर ईजी था। तो ये बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है, ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे, और जिसके कारण मौर्यन एम्पायर जो था वो क्या कर रहा था, एक्सपैंड कर पाया था। तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन था, तो फाउंडर मौर्यन एम्पायर का था चंद्रगुप्त मौर्य। उनको क्या कहा गया है, फाउंडर कहा गया है। और इनको जो स्टेट क्राफ्ट था, स्टेट क्राफ्ट कि कैसे क्या है, राज कैसे चलाया जाए, वो किसने सिखाया था, कौटिल्य ने, है ना। और कौटिल्य ने कैसे सिखाया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था क्या, अर्थशास्त्र। तो ये आपको इस क्वेश्चन में ये सारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं ये सब आपको दिमाग में रखने चाहिए, है ना। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राजपूत के रिगार्डिंग था। तो राजपूत के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। तो आपको अगर पहला पॉइंट पता होता कि ये पहले पॉइंट में ये जो लाइन है, डिड नॉट पैटर्नाइज अदर रिलीजन्स, ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, जैनिज्म और बुद्धिज्म इसको क्या करा था, पैटर्नाइज किया था। हालांकि वो क्या थे, हिंदुइज्म के क्या थे, स्टॉन्च फॉलोअर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे रिलीजन को क्या था, उन्होंने फॉलो पैटर्नाइज नहीं किया या फॉलो नहीं करा, ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज्म को उन लोगों ने क्या करा था, पैटर्नाइज किया था। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो फिर ऑप्शन जो बी है वही बचता है, इसीलिए हमें बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यूपीएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहाँ पर एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद तीसरा स्टेटमेंट की रेलेवेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है, अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से चलना है तो, है ना। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी। तो हमें ये पता चल जाता है इस क्वेश्चन से कि ये दोनों जो प्रैक्टिस थी राजपूत करते थे। इसके अलावा राजपूत क्या प्रैक्टिस करते थे, राजपूत सती प्रैक्टिस करते थे, इसके अलावा राजपूत पर्दा सिस्टम प्रैक्टिस करते थे, है ना। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी वो राजपूत क्या करते थे, फॉलो करते थे। उसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस जो थी, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये क्या थी, इस टाइम डेवलप हुई थी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, चोलास के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो ऑल ऑफ दी अबव कैसे है कि एक्चुअली में ये सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लेटर चोलास ने जो क्या करा था वो अकाउंट्स को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा वो थे, मतलब एफिशिएंट थे, उनका अकाउंटेबिलिटी जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी जो थी उसकी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके अलावा उन्होंने जो आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्री हॉस्पिटल्स को क्या करा था, डेवलप किया था। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो था, राजा राजा वन ने मालदीव्स को तरफ अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया था। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो अगर ये देखें तो ये पूरा सीलोन और यहाँ पर देखा जाए ये जो था एरिया पूरा साउथ ईस्ट एशिया का, इसमें उन्होंने काफ़ी कुछ, मतलब जावा सुमात्रा जो थे और यहाँ पर ये कम्बोडिया और ये मलाया पेनन्सुला, है ना, और ये सीलोन, तो यहाँ तक उनकी जो इस पूरे एरिया में जो था, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में उनकी जो आर्मी नेवी थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी वो थी, मतलब पेट्रोलिंग थी। तो ये पूरा एरिया में उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इसीलिए उनकी जो रीच थी वो मालदीव्स तक पहुंच गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो इसीलिए जिन्होंने भी आंसर डी मार्क किया है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के ऊपर। तो यहाँ पर अगर किसी को भी ये पता है कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है ना, तो वो पता लगा लेगा कि इसका आंसर क्या है, सांख्य है।
क्योंकि शांक फिलॉसफी एक ऐसी थी जिसने ये बोला था कि डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्योंकि जो वैशेषिका थी वो क्या करती थी, एग्जिस्टेंस को क्या करती थी, रिकॉग्नाइज करती थी, है ना। और मीमांसा जो थी वो जनरली धर्मा के ऊपर उसका मेन फोकस था, उसका इसके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसने नहीं शो करी है कि वेदर गॉड एग्जिस्टेड और गॉड डज नॉट एग्जिस्टेड। और जो न्याय थी, न्याय का बेसिकली ये था कि न्याय फिलोसफी वॉज यूज टू मतलब आइडेंटिफाई वेदर गॉड एग्जिस्टेड और नॉट, तो न्याय का ये पर्पज़ था, है ना, टू आइडेंटिफाई, है ना, तो ये न्याय का ये था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, सांग का आंसर है। और जनरली ये क्या है, अर्लीस्ट फिलोसफिकल स्कूल भी था, और इसके फाउंडर जो थे वो फाउंडर कौन थे, इसके इसके फाउंडर थे कपिला, सेज कपिल, जिन्होंने ये फिलॉसफी दी थी, है ना। तो इसमें क्या है, सांग और वैशेषिका जो है वो क्या है, मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, एडवांस करते हैं, है ना। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। इसके अलावा सांख में क्या होता है, एक पुरुष होता है और एक प्रकृति होती है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों को कहीं ना कहीं यूनिवर्स का पार्ट होते हैं। तो आपको ये चीज़ क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए सांख फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि वीर शैव ट्रेडिशन ऑफ भक्ति के ऊपर है। तो यहाँ पर जिसने भी मार्क करा है आंसर सी, वो सही स्टेट सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है, वेदर इट इज़ 0.1, 0.2 और 0.3, ये तीनों सही है ना। तो जिन्होंने भी सी मार्क किया है वो सही मार्क किया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो वीर शैव मूवमेंट जनरली क्या था, 12th सेंचुरी में शुरू हुआ था बसावा के द्वारा, जो कि जैन थे और चालुक्य किंग के कोर्ट में क्या थे, मिनिस्टर थे। तो उनके फॉलोअर्स को जनरली क्या कहा गया, वीर शैवास कहा गया या लिंगायत्स कहा गया है। तो जिन्होंने शिवा को लिंगा के फॉर्म में वियर किया है उसको लिंगायत्स कहा गया है ना। तो ये दोनों क्या थे, फॉलोअर्स थे वीर शैव मूवमेंट में बसावा के, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या याद करना है कि ये 12th सेंचुरी का मूवमेंट था, बसावा जो थे वो जैन थे, और बसावा कौन से रूलर के, डायनेस्टी के रूलर के अंदर में थे मिनिस्टर, तो चालुक्य किंग के अंदर में थे। और यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, ये सेकंड पॉइंट में, कि डिवोटी विल बी यूनाइटेड विथ शिवा, ऐसा क्या था, लिंगायत्स का बिलीव था, और नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते थे, फ्यूनरी राइट्स जो थे, जैसे कि हिंदुओं में जो होते हैं क्रीमेशन, उसको क्या करते थे, प्रैक्टिस नहीं करते थे, नॉट प्रैक्टिस, है ना। और सेरिमोनियली क्या करते थे, बरी करते थे अपने डेड को, डेड बॉडीज़ को। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे इन अलग अलग 5 टॉपिक्स, जो कि एंशियंट और कहीं ना कहीं अर्ली मिडिवल पीरियड के 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो समझ में आए हो, तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। आने वाले वीडियोज़ में हम और इससे रिलेटेड और अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। थैंक यू सो मच।